मेरा टीवी हम सब का है। प्रोग्राम मुकालमा के साथ मैं हूं सलमान आबिद। हम इस प्रोग्राम में करेंगे सियासी तज्जिये और तबसरे, और शवाहिद की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे और मंतक की बुनियाद पे बहुत सी सियासी खबरों का करेंगे पोस्टमार्टम, और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान की सियासत आईन और कानून की हुक्मरानी के ताबे नहीं बन पा रही। और हम करेंगे बेलाग तज्जिया और तबसरा, और किसी भी मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब तज्जिये में आप देखना मत भूलिएगा प्रोग्राम मुकालमा विद सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान में एक बहुत अहम समाजी मसले की तरफ, और वो समाजी मसला है बच्चों और बच्चियों के साथ जिंसी ज्यादती के वाकयात। और इसमें जिस तेज़ी से इजाफा हो रहा है वो अमली तौर पर इस माशरे के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है और लम्हे फिक्रिया है। चाहे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, और चाहे वो आपके रस्मी स्कूलों में पढ़ते हैं, और चाहे वो लड़के या लड़कियाँ हों, हम अमूमी तौर पर ये देख रहे हैं कि बच्चों के ख़िलाफ़ जिंसी जराइम में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। और ये जो जिंसी जराइम है इसमें बकायदा जिंसी ज्यादती यानी बच्चों के साथ बदफेली का अमल भी शामिल है। और बड़ी बदकिस्मती से हम देखते हैं कि जो दीनी मदारिस हैं वहाँ से भी इस तरह के वाकयात तवातुर से सामने आते हैं, और हमारे स्कूलों में और हमारे ट्यूशन सेंटर्स के अंदर भी बाज़ खबरें ऐसी आती हैं जहां बच्चों के साथ ज़्यादती के वाकयात होते हैं। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो मासूम बच्चे जिनकी उम्रें खेलने कूदने की होती हैं, पढ़ने लिखने की होती हैं, उनके साथ जब बिल्कुल बचपने के अंदर इस तरह के वाकयात होते हैं तो उसके क्या असरात बच्चों की ज़िंदगी पर पड़ते हैं, और क्या असरात फिर वो बच्चे माशरे में लेकर जाते हैं। और अमलन हमने देखा है कि इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो हम बहुत से इफ़ एंड बट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, और उसके आगे कोई ना कोई जस्टिफिकेशन का नोट लगा देते हैं। और फिर एक अजीबोगरीब बहस भी हम देखते हैं पाकिस्तान में जो मजहबी और गैर मजहबी या लिबरल और मजहबी अनासर के दरमियान शुरू हो जाती है। यानी जब बच्चों के वाकयात ज्यादती के वाकयात मदारिस में होते हैं तो बहुत से लोगों का टारगेट फिर दीनी मदारिस और उलमा कराम या मसाजिद के जो मौलवी हजरात या कारी हजरात हैं वो हो जाते हैं। और अगर कोई वाकया लिबरल इलाकों में यानी ऐसे स्कूलों में हो जाए, रस्मी स्कूलों के अंदर हो जाए, तो फिर जो उलमा इकराम या मौलवी तबका है वो एक रिएक्शनरी अप्रोच इख्तियार करता है। मसला तो ये है कि बच्चे और बच्ची के साथ ज्यादती के वाकयात क्यों होते हैं, और क्या वजह है कि हमारे तालीमी इदारों का निज़ाम, क्या वजह है कि हमारे दीनी मदारिस के निज़ाम के अंदर एक ऐसी निगरानी का अमल मौजूद नहीं है जहाँ बच्चों की बहुत शफाफ अंदाज से मॉनिटरिंग हो सके, और क्यों ऐसे लोग तालीमी इदारों का या मदारिस का हिस्सा बनते हैं जो बच्चों के साथ बदफेली के मर्तकब होते हैं। और ये कोई एक वाकया नहीं होता, यानी वो वाकया जिसको बुनियाद बनाकर बात वक़ात बाहर बात आ जाती है, लेकिन ये वाकयात तसलसल के साथ किसी ना किसी शक्ल में हो रहे हैं। इसका एक मतलब तो ये है कि हमारे पढ़ाने वाले जो हैं दीनी मदारिस के अंदर या रस्मी स्कूलों के अंदर, उनके अंदर जो तरबियत का जो अमल है वो एक सवालिया निशान है, और वो अपनी तरबियत में इस पस्ती तक चले जाते हैं जहां मासूम बच्चों को भी अपना निशाना बनाने से गुरेज नहीं करते। और फिर ये भी हम देख रहे हैं कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो हमारा कानून भी कमज़ोर तरीके से ऑपरेट करता है। ये लोग किसी ना किसी शक्ल में कानूनी गिरफ्त से बच जाते हैं, ज़मानत करवा लेते हैं या इल्ज़ाम झूठा साबित करवा देते हैं,
या कोई फैमिली के दरमियान और दोनों फरीकान के दरमियान समझौते कर दिए जाते हैं, ये भी एक बड़ा आदमी। यानी जहाँ कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर वीक होगा, जहाँ कानून लोग उसको अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चलाएंगे और अपनी ताकत की बुनियाद पर उसका इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वहाँ इस तरह के मुजरिमों को सज़ा देना मुश्किल बात बन जाए। और मैं ये हमेशा से ये कहता हूँ कि जो भी तालीमी इदारे का सरबरा या दीनी मदारिस का जो सरबरा है, उसे अपने असातिज़ा पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। उनकी भर्ती का जो तरीका है, उनकी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है, उसको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है। बाकायदगी से बच्चों के दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के वाकयात अगर कहीं हो रहे हैं तो फौरी तौर पे पकड़े जा सकें। और क्यों हों इस तरह के वाकयात, बच्चों के साथ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, असातिज़ा के साथ काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, मसाजिद में पढ़ाने वाले जो कारी हजरात हैं, मौलवी हजरात हैं, उनसे काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। और इस मसले को महज एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बनाया जाए। ये एक बड़ा सीरियस मसला है, बड़ा सेंसिटिव मसला है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको डील करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात इस तरह की बातों वाकयात को फिर एक तमाशा बनाकर पेश किया कर दिया जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम सब चाहते हैं कि बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाकयात, बदफेली के वाकयात या खौफ व हरास के वाकयात जिनसी बुनियादों पर, ये नहीं होने चाहिए, और हम इसका खात्मा चाहते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करने की ज़रूरत है, बच्चों को और असातिज़ा को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हमें ऐसे लॉज बनाने की ज़रूरत है जो अगर इस तरह के मुजरिम सामने आते हैं तो फिर कानून बड़ी तेज़ी से हरकत में आए, स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी जस्टिस हो, और ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाया जाए जो मदारिस का और मसाजिद का एहतराम भी नहीं करते, और ऐसी मुकद्दस जगह पर इस किस्म के वाकयात का होना खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसलिए हम सबको, माशरे को इसमें मिलकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, मीडिया को इस मामले में ज़्यादा लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे हमारे इलाकों में जहाँ जहाँ ये दीनी मदारिस होते हैं वहाँ पुलिस का निज़ाम और उनकी मॉनिटरिंग का निज़ाम भी ठीक होना चाहिए, और बच्चों के अंदर ये बकायदा एजुकेट होना चाहिए कि वो इस किस्म की कोई भी फेल महसूस करें तो फौरी तौर पे उनकी शिकायत का इजाला करने के लिए कुछ लोग मौजूद हों, कमेटी मौजूद हो, वहाँ तक उनकी रसाई मौजूद हो, वो आसानी से उन लोगों के साथ राबता कर सकें, अपना मुकदमा पेश कर सकें, अपनी शिकायत पहुँचा सकें, वालदैन को पहुँचा सकें, वालदैन मैनेजमेंट के अंदर लाए, और फिर ऐसे लोगों को इबरत का निशाना बनाए, और बकायदा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इसके एक बड़ी ज़रूरत बनती है कि हम ऐसे लोगों को सज़ा के तौर पे भी ट्रीट करें लेकिन साथ साथ उनको काउंसलिंग भी करें। क्योंकि अगर आप एक बंदे को एक मदरसे से निकाल भी दें, वो चंद माह के बाद किसी दूसरे मदरसे में चला जाएगा, और वहाँ जाकर भी अगर उसने यही अमल करना है तो फिर उसकी क्या तरबियत हुई, क्या इसलाह हुई, क्या जवाबदेही हुई, क्या उसको सज़ा मिली, ये फिर सवालिया निशान तो मौजूद रहेंगे ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ, और इसे वाकयात के लिए हमें उन मुहरिकात को भी समझना होगा, उन पहलुओं को भी समझना होगा कि ये वाकयात क्यों कर पैदा होते हैं, इसका समाजी पस मंज़र क्या है, इसका नफ्सियाती पस मंज़र क्या है, है इसके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसको किस तरीके से हम उसको एड्रेस करें, और क्यों इस तरह के वाकयात का होना क्यों ज़रूरी होता है, क्या वजह है कि हम इन तमाम चीज़ों को इस अंदाज से देखते हैं। और मीडिया के बारे में भी कहा जाता है कि इसको जिस अंदाज से दिखाया जाता है, इसमें भी हम इन चीज़ों को किसी ना किसी शक्ल में प्रमोट कर रहे हैं, हमारा मीडिया का मजमूई कल्चर जो है उसको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इस तरह के वाकयात सामने आते हैं तो उससे ना सिर्फ हमारा मुल्की इमेज ख़राब होता है, बल्कि अब दुनिया ग्लोबल है, ग्लोबल मीडिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है, जब इस तरह के वाकयात, इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो जब वायरल होती हैं तो बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को खासी सुबकी का सामना करना पड़ता है।
और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज मुतासिर होता है। और लोग कहते हैं देखिए पाकिस्तान में बच्चों की जिंदगियां भी महफूज नहीं है, बच्चों के साथ भी जिनसी ज्यादती के वाकयात होते हैं। और मैं तो पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी जो है वो खुद एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। बच्चों के साथ बदफेली के वाकयात को लेकर वीडियो बनाना और उसको फिर एक कारोबार की शक्ल देना, ये भी एक सीरियस मसला है। इसलिए इस मसले को हमारी सियासी जमातों को, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बलियाँ को काम क्या है मुझे बताइए। ये उनका काम बनता है कि वो इन मामलात पे बेहतर कानून साजी करें, पॉलिसियाँ लेकर आएँ, इम्प्लीमेंटेशन के निज़ाम को मौसर बनाएं। पार्लियामेंट किस दवा का नाम है मुझे बताइए। सियासी जमातें, मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, एजुकेशनिस्ट, मदारिस के टीचर, स्कूलों के टीचर्स, इन सब को इस मामले में कोई रोल प्ले करना है। किसी का जिम्मेदारी कानून साजी की है, किसी की जिम्मेदारी पढ़ाने की है, किसी की जिम्मेदारी तरबियत देने की है, किसी की जिम्मेदारी अवेयरनेस और शऊर को फैलाने की है, कोई कानून पर अमल दरामद का पाबंद है। अगर हम सब इस मिलकर इसमें अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो आप देखिएगा कि आपको इन मामलात में जो नंबर्स हैं वो उनमें कटौती नज़र आएगी और शायद हम इस मामले को ज़्यादा संजीदगी से और बेहतर तौर पर डील कर सकें। हम सब का है।